अच्छा, BMLT के बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये हो रहा है क्या क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है, 10 क्वेश्चन है, ये 5, ये 5, 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, एक एक मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड होता है। दूसरा है कि विच इज़ द ट्यूमर मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर, अगर होगा तो उसमें ट्यूमर का मार्कर कौन होगा। SGL का फुल फॉर्म क्या होता है। SGOT कब इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और ट्रू ग्लूकोज पता करने का मेथड कौन सा है। उसके बाद एंड प्रोडक्ट बताना है, न्यूक्लिक एसिड जब ब्रेक डाउन होगा तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है कैसे जॉन्डिस में क्या हो जाता है, बढ़ता है। और लिपिड जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है। और प्रोटीन का फंडामेंटल यूनिट क्या है। और ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तब एंड प्रोडक्ट क्या होता है। और सारे का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है, 5 का। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताइए, नहीं तो फिर हम बता देंगे। उसके बाद ये आंसर है सबका, फिल इन द ब्लैंक्स का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का कि वाटर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसको क्लासिफाई करना है। GTT बताना है, दूसरा क्वेश्चन जिसके 6 मार्क्स का है। फिर DNA और RNA में डिफरेंशिएट करना है जो 4 नंबर का है, इसका वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं। और डिस्क्राइब करना है प्रोसेस, यूरिक एसिड कैसे बॉडी में फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है कि एंजाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है, और 4 एंजाइम का नाम बताना है। इसके अलावा लास्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम की एक्टिविटी को, एक्टिवेट करने वाले फैक्टर्स को बताना है कि किस किस फैक्टर्स की वजह से एंजाइम एक्टिवेट होता है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें है पहला कि डिस्क्राइब करना है बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म, यानी कि केमिकल प्रोसेस बिलिरुबिन का बॉडी में क्या होता है वो बताना है, जो 6 नंबर का है। फिर उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का करेक्टरिस्टिक बताना है, जो कि 4 नंबर का है। फिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन बताना है, जो कि 5 नंबर का है। उसके बाद वैल्यू बताना है ये सबका ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल इन फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि सीरम में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होगा जब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। ये सब कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में लेवल, सीरम में लेवल कितना होगा ये बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। पहला गोट नहीं, यहाँ पे गाउट है, GOUT। और उसके बाद है GTT बताना है इन डायबिटिक पेशेंट, लाइपोप्रोटीन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, और इम्पोर्टेंस बताना है कॉपर एंड मैग्नीशियम का ह्यूमन बॉडी में। इन 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना है, 5-5 नंबर का, टोटल 10 मार्क्स का। ये इतना क्वेश्चन था BMLT बायोकेमिस्ट्री का।